बिग बॉस 16 खत्म हो चुका है, लेकिन अब भी शो के तमाम कंटेस्टेंट्स को लेकर लोगों में क्रेज बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। जिन स्टार्स ने शो में अपने अंदाज से लोगों को भरपूर एंटरटेनमेंट का डोज दिया है, अब जनता उन्हें काफी मिस भी कर रही है। लेकिन आपको बता दें कि शो के खत्म होने के बाद कई कंटेस्टेंट कई काम धंधों में लग चुके हैं। जी हाँ, प्रियंका चहर चौधरी, सुम्बुल तौकीर खान, टीना दत्ता समेत कई स्टार्स के नए काम धंधों पर खबरें भी सामने आ चुकी है। तो आपको भी बताते हैं कि आखिर कौन सा स्टार शो के बाद किस किस काम में बिजी होने वाला है। प्रियंका चहर चौधरी, फिर प्रियंका चहर चौधरी वो कंटेस्टेंट रही जिन्हें लेकर क्रेज खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। शो के दौरान ही कई प्रोजेक्ट्स के साथ प्रियंका का नाम जुड़ता नजर आया, जिसमें शाहरुख खान स्टारर फिल्म डंकी है। लेकिन लेटेस्ट रिपोर्ट की माने तो प्रियंका शाहरुख खान की इस फिल्म का हिस्सा नहीं होंगी, बल्कि प्रियंका जल्द ही किसी नए डेली सोप में नजर आने वाली हैं। हालांकि प्रियंका का ये नया शो कैसा होगा, टाइटल क्या है, कहानी क्या है और कौन सा एक्टर प्रियंका के अपोजिट नजर आएगा, फिलहाल ये डिटेल तो सामने नहीं आई। लेकिन खबरें हैं कि जल्द ही प्रियंका एक बड़े शो का ऐलान जरूर करेंगी। टीना दत्ता ने भी अपने गेम से बिग बॉस 16 में खूब धमाल मचाया। वहीं हाल ही में खबरें सामने आई कि टीना दत्ता सोनी टीवी के नए शो मेरे अपने में लीड रोल प्ले करती नजर आएंगी। कहा जा रहा है कि टीना दत्ता का ये नया शो टर्किश शो का हिंदी रीमेक है, जिसमें दो एक्टर लीड रोल निभाएंगे। खबरें हैं कि शो में ताहिर शब्बीर और मोहित दुसेजा लीड रोल निभाते नजर आएंगे। शालीन भनोट, जी हाँ, शालीन भी बिग बॉस 16 के उन स्टार्स में से एक हैं जो जल्द ही एक नए डेली सोप का हिस्सा बनेंगे। एकता ने खुद बिग बॉस 16 के मंच से शालीन को अपने नए शो बेकाबू के लिए अप्रोच किया है, जो कि कलर्स टीवी पर टेलीकास्ट होगा। बता दें कि ये वो ही शो है जो कि ब्यूटी एंड बीस्ट से इंस्पायर्ड होने वाला है और इस शो में लीड हीरोइन के तौर पर नजर आएंगी ईशा से। बता दें कि शालीन का ये शो अप्रैल 2023 में ऑन एयर होगा और ये एक वीकेंड शो होगा। सुम्बुल तौकीर खान, सुम्बुल भी बिग बॉस 16 के जरिए काफी पॉपुलर हुई। हाल ही में टेलीचक्कर से बातचीत में सुम्बुल ने खुलासा किया कि वो जल्द ही एक बड़े प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट करेंगी, जिसके बाद ऐसी कयासबाजी है कि सुम्बुल का यह नया शो रोहित शेट्टी स्टारर शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 हो सकता है। शिव ठाकरे, बिग बॉस 16 के फर्स्ट रनर अप रहे शिव ठाकरे की पॉपुलैरिटी पर इस शो के बाद चार चांद लग चुके हैं। शिव अपनी पर्सनैलिटी और फिटनेस के कारण पहले ही लोगों का दिल जीत चुके हैं। बिग बॉस 16 में जब रोहित शेट्टी ने फिनाले के वक्त एंट्री ली, तभी से ऐसी खबरें सामने आ रही है कि शिव ठाकरे इस बार के खतरों के खिलाड़ी 13 में कंफर्म कंटेस्टेंट हैं। वह साफ है कि बिग बॉस 16 के खत्म होने के साथ ही सभी स्टार्स अपने अपने काम धंधों में लग चुके हैं, ताकि उनके फैंस को वो एंटरटेनमेंट का डोज हर हाल में देते रहे। हालांकि आप किस स्टार को देखने के लिए सबसे ज्यादा बेताब हैं, शेयर कीजिएगा अपने जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में।